हाय एवरीवन, वेलकम टू माय बुक माय स्टोरी। मैं रीता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और उड़ीसा वैसे तो काफी चीजों के लिए फेमस है, लेकिन आज मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी वो है एक पिठा, क्योंकि उड़ीसा में तरह तरह के पिठा बनाया जाता है और उसमें से एक पिठा का रेसिपी मैं आज शेयर करूंगी आपके साथ, जो की है मुआ पिठा और उसको बॉयल करके बनाया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पिठा बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी उड़द दाल और एक कटोरी चावल। इसको हमें पानी में 6 से 7 घंटा भिगो देना है। तो ये मैं पहले डाल देती हूँ उड़द दाल और उसके बाद चावल। इसको हम अभी पानी में भिगो देंगे 6 से 7 घंटे के लिए। 8 घंटे हो चुके हैं, सुबह हमने इसको भिगोया था उड़द दाल और चावल को। अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और ये ग्राइंड करने के बाद ये बैटर को हम लोग बाहर ही छोड़ देंगे, फ्रीज में नहीं रखना है, तो ये फर्मेंट हो जाएगा और सुबह आप देखेंगे ये पूरा फूल जाएगा। अभी इसको ढक के हम रात भर ऐसे ही छोड़ देंगे बैटर को, ताकि ये फर्मेंट हो जाए, तो कल सुबह हम लोग पिठा बनाएंगे। गुड नाइट। अभी हम देखेंगे कि ये फर्मेंट हो गया होगा हमारा जो बैटर। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा फर्मेंट हो गया है, इसको हम 10 से 15 मिनट फेंट लेंगे, ताकि पिठा हमारा अच्छे से फूलेगा और बहुत ही सॉफ्ट होगा। कोकोनट को ग्रेट कर लेंगे। अब बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से है, ग्रेटेड कोकोनट, जागेरी यानी कि गुड़, इलायची पाउडर, थोड़ा सा मिल्क पाउडर और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप डाल सकते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, किशमिश और काजू थोड़ा सा लिया है। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग। अभी पैन गर्म हो गया है, अभी हम पहले थोड़ा सा पानी दे देंगे, बहुत थोड़ा, और इसमें जैगरी डाल देंगे। आपको अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा जैगरी डाल सकते हैं, और अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो आप कम मीठा में भी डाल सकते हैं। ये मैंने जैगरी पाउडर लिया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और डाल लेते हैं बस। आप इसमें अगर आपके पास जागरी नहीं है तो आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा मेल्ट होने तक वेट करते हैं। ये ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल लेंगे और ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे, थोड़ा सा मिलाएंगे 1 मिनट। मिल्क पाउडर डाल लेंगे, मिल्क पाउडर डालने से इसका थोड़ा फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है।
और लास्ट में हम कोकोनट डालेंगे। अभी हम कोकोनट डाल देंगे। कोकोनट डालने के बाद थोड़ा हम गैस सीम कर देंगे, क्योंकि कोकोनट से अभी पानी छूटेगा, थोड़ा टाइम लगेगा हमको पकाने के लिए। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे कोकोनट में जागीरी कोट हो गया है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही फ्राई करेंगे, ताकि कोकोनट से जो पानी होगा वो निकल जाएगा और फ्राई हो जाएगा कोकोनट। उड़ीसा में बहुत टाइप के पिट्ठे बनते हैं। मैं धीरे धीरे करके आपको सारे पिट्ठे एक एक रेसिपी आपको मेरे वीडियो में मैं दिखाऊंगी। अभी रेडी हो चुका है हमारा स्टफ, इसको हम साइड करते हैं और चलते हैं बैटर की तरफ। तो अभी मैं गैस बंद कर लेती हूँ, इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो बैटर अभी बहुत ठीक है, इसमें हमने पानी अभी तक मिलाया नहीं है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और जितना पतला हमें बैटर चाहिए उसी हिसाब से इसको बना लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी देके इसको मिलाऊंगी। दिखाती हूँ हमें कैसा कंसिस्टेंसी चाहिए पिट्ठा के लिए। ज्यादा ठीक कंसिस्टेंसी हमें नहीं चाहिए। तो बैटर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ हमको कितना कंसिस्टेंसी चाहिए। हमको इतना ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये बैटर थोड़ा ज्यादा है, हम लोगों को एक ही पिट्ठा बनाना है, तो इसको हम जितना हमें चाहिए उतना हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे मैंने 2 छोटे बाउल्स लिए हैं, इसमें हम लोगों को सेम क्वांटिटी का, इसमें जितना क्वांटिटी हमें चाहिए बैटर इसमें भी उतना ही क्वांटिटी हमें चाहिए। तो इसको हम निकाल लेते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। तो ये हो गया हमारा एक बाउल और हम सेकेंड बाउल में जाते हैं। ये जो 2 बाउल बैटर हम लोग निकाल लिए, इसको हम अब एक साथ एक बर्तन में निकाल रहे हैं, निकाल देंगे। ये बैटर में अब हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएंगे, 1 पिंच, इतना ही बेकिंग सोडा हम मिला रहे हैं। तो पीठा बनाने के लिए मेरे पास ये इडली मेकर है, तो यही मैं ले रही हूँ। और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक बॉइलिंग प्लेट भी है। तो हम क्या करेंगे, नीचे पानी देके इसको 10 या 15 मिनट तक प्री हीट कर लेंगे, उसके बाद ही इसमें हम पीठा डालेंगे, पीठा बनाएंगे। अभी हम गैस ऑन करते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे नीचे, क्योंकि ये बॉयल होगा हमारा जो पीठा है, ये बॉयल
होगा। तो पीठा बनाने के लिए मैं ऐसे टिफिन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास भी ऐसे अगर टिफिन भी हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं अभी थोड़ा सा तेल हो या घी हो इसमें ग्रीस कर लूँगी, उसके बाद हम बैटर को इसमें डालेंगे। तो ये एक कटोरा पहले हम इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा टैप कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम अभी कोकोनट स्टफ दे देंगे। आपको अगर ज्यादा स्टफ पसंद हो तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, अगर कम पसंद हो तो कम डाल सकते हैं। मुझे ज्यादा पसंद है तो मैं ज्यादा डाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को भी ज्यादा स्टफ पसंद है। तो ये हो गया। अब हम इसमें इसके ऊपर सेकेंड बाउल बैटर डालेंगे। हम लोग ऐसे ही डाल लेते हैं। इसमें कुछ कुछ रह गया है, इसको भी हम डाल लेंगे। और इसको थोड़ा सा हम ऐसे देख लेंगे कि पूरा ये कवर हो रहा है कि नहीं स्टफ में। अगर नहीं हो रहा है तो इसको हाथ में ऐसे हम कवर कर लेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कवर हो गया है। इसको अब हम बॉईल करते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट प्री हीट हो गया है। इसको ऐसे रख के इसको कवर कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा पिट्ठा कैसे बनेगा। अभी 20 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक करते हैं कि पिट्ठा हमारा हो गया है कि नहीं। चेक करने के लिए हम एक नाइफ लेंगे और उसको ऐसे दब अंदर डाल के देखेंगे। तो ये देखिए पूरा साफ निकल आया है, इसका मतलब है पिट्ठा अभी रेडी है। तो मैं अभी गैस बंद कर लेती हूँ और इसको अब हम छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर इसको हम निकाल लेंगे। अभी पिट्ठा ठंडा हो चुका है, इसको अब हम प्लेट में निकाल देंगे। तो ऐसे प्लेट लीजिए, उसको ऐसे पलट लीजिए और जोर से इसको प्रेस करने के बाद ये निकल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा पिट्ठा निकल गया है और ये बहुत टेस्टी भी लग रहा है और ये बहुत सॉफ्ट भी हुआ है। तो इसको काट के मैं अब दिखाऊंगी आपको। तो ये मैंने पलट लिया है, इसको अब हम काटते हैं। अभी आप देख सकते हैं पिट्ठा हमारा रेडी है और ये बहुत सॉफ्ट भी हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं पिट्ठा हमारा रेडी है और मैं जा रही हूँ खाने। और आप भी इस तरह से बनाइए और
उड़ीसा का पिठा का मजा लीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।